वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मिडिवल हिस्ट्री देखेंगे बिहार से रिलेटेड। पाल डायनेस्टी काफी पावरफुल डायनेस्टी थी और जब हर्षवर्धन का फॉल हो जाता है नदरन इंडिया में और जो शशांक होते हैं बंगाल रीजन में, जब इन दोनों का फॉल हो जाता है बेसिकली डिक्लाइन कर जाती है इनकी एम्पायर, तो ये डायनेस्टी इमर्ज करके आती है। फाउंडर कौन थे? गोपाल, आपको ये याद रखना है। इनका रूल का पीरियड देख लीजिए एक बार, कई बार बहुत मूड खराब होता है तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब गोपाल को इलेक्ट किया था रूलर बाय फ्यूडिटरीज एंड कॉमन पीपल ऑफ बंगाल बेसिकली। उसके बाद अगर हम तिब्बतन हिस्टोरियन तारानाथ की माने तो गोपाल पुंडरवर्धन क्षत्रिय क्लैन के थे, बोगरा डिस्ट्रिक्ट के। धर्मपाल रूलर बनते हैं आफ्टर गोपाल, उन्होंने कनौज पे अटैक किया था 8th सेंचुरी में और चक्र युद्ध को रूलर बनाया था कनौज का और एक बहुत बड़ा कोर्ट ऑर्गेनाइज किया था और इनको टाइटल मिला था उत्तरपथ स्वामी धर्मपाल को। सोड़ जो कि पोएट थे गुजरात के, उन्होंने उदय सुंदरी कंपोज की थी और उन्होंने धर्मपाल को इस अपनी रचना में लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ कहा था। धर्मपाल वॉज डिफीटेड बाय हुम? बाय प्रतिहार रूलर वत्सराज, राष्ट्रकूट रूलर ध्रुव, इन्होंने धर्मपाल को हराया था। अरब ट्रैवलर थे कोई सुलेमान, उन्होंने देवपाल को बेस्ट रूलर बताया है राष्ट्रकूट और प्रतिहार डायनेस्टी का। देवपाल की डेथ के बाद मिहिर भोज का शासनकाल आता है और महेंद्रपाल का। प्रतिहार को काफी इंपॉर्टेंट एरियाज मिल गए थे यूपी और बिहार के, ईस्टर्न यूपी और बिहार के। 11th सेंचुरी में महिपाल पहले रूलर बने जिनको सेकंड फाउंडर कहा जाता है पाल डायनेस्टी का। किसको? महिपाल को। इन्होंने पूरा बंगाल कैप्चर कर लिया, मगध की भी टेरिटरीज कैप्चर करी, लेकिन जो इनके उत्तराधिकारी रहे, सक्सेसर्स रहे, वो वीक थे। रामपाल की डेथ के बाद गहडवाल्स, इन्होंने एम्पायर एक्सटेंड किया बिहार का टू शाहबाद एंड गया। सेन रूलर्स की बात करें तो विजय सेन और बंगाल सेन ने अपनी पावर काफी एक्सपैंड की और ईस्ट ऑफ गया तक अपना रूल स्टैब्लिश किया। इसी टाइम पे टर्क्स का इन्वेजन होगा बिहार में बाय द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी। कर्नथ डायनेस्टी की बात करें तो ऑटोमन इन्वेजन इंडिया में दो फेजेस में हुआ था। महमूद गजनवी ने अटैक किया पहले फेज में, फिर गौरी ने अटैक किया। इस टाइम पे बिहार के रूलर कौन थे? पाल रूलर रामपाल। आपको ऐसे याद रखना है, वो पूछ सकता है कि उस टाइम पे कौन थे बिहार के रूलर। रामपाल के टाइम पे कर्नाट डायनेस्टी उभर के आती है तिरहुट रीजन में, नॉर्थ प्लेन में गैंजेस के। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे नयनदेव। 11th सेंचुरी में स्टोन इंस्क्रिप्शन है मिथिला रूलर नयनदेव का सिमराव से, जो कि ये बताता है कि यही थे जिन्होंने कर्नाट डायनेस्टी को फाउंड किया था। इस डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ मालदेव, जो कहां से हमें पाया गया है? भगवानपुर इंद्रभंगा डिस्ट्रिक्ट। नयनदेव ने सिमरावगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया था कन्नड़ डायनेस्टी की और इनके रूलर्स, इस डायनेस्टी के रूलर्स को बोला जाता है गोल्डन एज मिथिला की, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे मिथिला काफी स्टेबल रहा, प्रोग्रेस किया, जब कब तक? वनवर डायनेस्टी के शासनकाल तक। दिल्ली सल्तनत के जो गवर्नर्स थे जो इस रीजन में अपॉइंट हुए थे उनको ट्रिब्यूट मिलता था कर्नाट रूलर्स से और इस एरिया का जो कंट्रोल था वो उस कोर्स में हुआ जब बंगाल कैंपेन किया था ग्यासुद्दीन तुगलक ने। देखिए पूरी हिस्ट्री इंटरकनेक्टेड है तो कुछ चीजें अगर आपने मान लीजिए नहीं भी पढ़ी है, आपको नहीं पता ग्यासुद्दीन तुगलक का बंगाल कैंपेन क्या था, तो आप उसके लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं, फिलहाल आप ये चीज यहां पे समझ लीजिए। जब आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो इन चीजों को लिंक कर लीजिए, दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। अब आगे देखेंगे, जब रूलर तिरहुट के थे हरसिंह देव, जिस टाइम पे वो अटैक नहीं फेस कर पाए थे ऑटोमन आर्मी का और भाग गए थे नेपाल की तरफ, तो नदरन और सेंट्रल बिहार वाले रीजन्स को एक दूसरे में मर्ज कर दिया था। लास्ट रूलर कौन थे कर्नाट डायनेस्टी के? हरसिंह। और 1378 तक कर्नाट डायनेस्टी का एंड हो जाता है। हरसिंह देव थोड़े एक्टिव रहते हैं एज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। इसी के टाइम पे रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट डेवलप हुआ था। चंदेश्वर हरसिंह के मिनिस्टर थे, काफी शांतिदूत टाइप माने जाते हैं वो। विद्यापति के फादर काउंसलर थे और मिनिस्टर थे ऑफ द स्टेट ऑफ किंग गणेश्वर, जिन्होंने बुक लिखी गंगा भक्ति और तरंगनी। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सेन डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आएगी? सेन डायनेस्टी। किसकी लीडरशिप में? समंत सेन। देखिए मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से समझा पा रही हूं, मैं आपको इंग्लिश में लिखा पढ़ती रहूं इसको कोई फायदा तो होगा नहीं, पढ़ तो आप खुद भी सकते हैं। इंटरैक्टिव बनाने के लिए सेशन को आई एम जस्ट टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बस आपको उन्हीं सब चीजों पर ध्यान रखना है। और ऐसा होता है ना, वॉइस से हमारी जल्दी तैयारी होती है, मतलब
माइंड जल्दी रिलेट कर पाता है। तो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीजें लगती है मैं उस पर बार बार फोकस करती हूँ। ध्यान बना रहना चाहिए आप लोगों का, ध्यान ना टूटने पाए। संबंत सेन फ्यूडिटरी थे अंडर पाल्स, सेन डायनेस्टी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाती है हेमंत सेन के टाइम पे। रूलर्स जैसे कि विजय सेन, वल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन का रूल था बिहार और बंगाल रीजन पे। विजय सेन काफी पावरफुल रूलर थे। विजय सेन के बारे में हमें कहां से पता चलता है? देवपद बंगाल से, कोई कॉपर प्लेट आर्टिकल से। विजय सेन ने हराया नैनादेव को, अभी जो ऊपर देखे हमने कर्ण डायनेस्टी वाले, और ये शैविज्म के फॉलोअर थे। कौन? विजय सेन। इन्होंने दो बुक्स लिखी, दाना सागर और अद्भुत सागर। लक्ष्मण सेन लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। किस डायनेस्टी के? सेन डायनेस्टी के। जयदेव ऑथर है गीत गोविंद के। इन्होंने, ये रहते थे लक्ष्मण सेन के कोर्ट में, और लक्ष्मण सेन कौन से फॉलोवर थे? वैष्णविज्म के फॉलोवर थे। अच्छा, शैविज्म और वैष्णविज्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बता सकता है कोई सिंपल एकदम टर्म्स में? बताइए जरा। सेन रूलर ने एस्टैब्लिश की कैपिटल नादिया एंड लखनौती। सेन रूलर्स ने कॉन्कर किया रीजन अप टू गया, ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल बिहार रीजन के टाइम पे जब रूल था लक्ष्मण सेन का, तो मिलिट्री कैंपेन किसके स्टार्ट हुए? तुर्क मोहम्मद गौरी के। गौरी का जनरल था बख्तियार खिलजी। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हरा दिया और ये रीजन जो है तुर्कियों के अंडर आ गया। टर्किश इन्वेजन बिहार का। तीन जनरल थे मोहम्मद गौरी के जो कॉन्क्वेस्ट का काम पे निकाले हुए थे इन्होंने, जाओ सारा एरिया अपने अंदर कर लो। जिसमें से एक जनरल इख्तियार अलादीन बख्तियार खिलजी ने पहले उदंतीपुर कैप्चर किया, बिहार शरीफ बिहार में 1198 में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहां के डिस्ट्रॉय कर दिए। ये इंपॉर्टेंट है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ये सब कैंपेन कैरी आउट कर रहे थे बिहार बंगाल तक। बख्तियार खिलजी को कहा जाता है गाजी इख्तियार, इंपॉर्टेंट है। तुर्किश जो पावर का एस्टैब्लिशमेंट था बिहार में, इसका क्रेडिट जाता है बख्तियार खिलजी को। एट द सेम टाइम जब बख्तियार खिलजी इन्वेड कर रहे थे बिहार और बंगाल के, लक्ष्मण सेन जो रूलर थे सेन डायनेस्टी के, और इंद्रद्युम पाल रूलर थे पाल डायनेस्टी के, इन्होंने इनका सामना किया था, इनको अपोज किया था। इसके बाद लक्ष्मण सेन का जो कैपिटल था नादिया, उस पर अटैक हुआ और उनको हरा दिया गया। बख्तियार खिलजी ने यह सब एरिया कैप्चर कर लिया था और लखनौती को कैपिटल बनाया था। बख्तियार खिलजी को किसने मारा था? अली मर्दन खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल रहा, एक और जनरल मोहम्मद गौरी आए यहाँ पे। उसके बाद गौरी की डेथ के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिपेंडेंट ऑटोमन पावर दिल्ली में एस्टैब्लिश किया, जिसको हम क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन जो था बिहार का वो डायरेक्टली कंट्रोल में किसके आ गया? दिल्ली सल्तनत के, बख्तियार खिलजी के बाद। तो इसके बाद से बेसिकली अर्ली मिडिवियल पीरियड का अंत हो जाता है और एक्चुअल मिडिवियल पीरियड शुरू हो जाता है। बख्तियार खिलजी की डेथ के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर दिया नदरन इंडिया में, जिसमें बिहार इंक्लूडेड था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहते थे लोकल रूलर्स के साथ, और ज्यादा इन्होंने टेंशन फिर दी नहीं बिहार बंगाल की तरफ। एडवांटेज पाके लोकल रूल का दिल्ली में और सराउंडिंग एरियाज का, जो मोहम्मद गौरी के बाकी के सक्सेसर्स थे यालदोज कोबाचा, जो लोकल जो फ्यूडिटरीज थे, ये कोशिश करेंगे इंडिपेंडेंट बनने की। मतलब बेसिकली आप एक पैटर्न देखेंगे, जब जब सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग होगी तब तक तो राज्य ठीक चलेगा, और ये जो छोटे छोटे होते हैं ना लोग, इनको जब जब पावर चाहिए होगी तो ये ब्रेक करने की कोशिश करेंगे सेंट्रल अथॉरिटी से। बस सेंटर की तरफ पावर कॉन्सेंट्रेट करना, सेंटर की तरफ से पावर बाहर जाना, ये चलता रहेगा। तो therefore taking advantage of the local rule in this Delhi, और ये सेम रिपीट हो गया, इसको क्रॉस कर दीजिए। इस सिचुएशन में बंगाल के जो रूलर्स थे उन्होंने रिपीटेडली अटैक किया बिहार पे और स्ट्रेंथन कर दिया रूल अपना पोजीशन का, एंड kept revolting against the Delhi Sultans। इसके बाद क्या होगा, बिहार जो है बहुत प्रॉब्लम का एरिया बना रहेगा जितने भी टर्किश रूलर्स रहेंगे दिल्ली के, ठीक है। उसके बाद बंगाल के रूलर्स और लोकल रूलर्स, इन सबकी आपस में लड़ाई चलती रहेगी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसका टाइम आएगा बताओ? इल्तुतमिश का। फिर गियासुद्दीन जो है अपनी इंडिपेंडेंट पावर स्टैब्लिश कर लेगा, कहां पे? बंगाल में। कौन सी ईयर में? 1211 AD। और टैक्सेस वगैरह वहां के तिरहुट रीजन के बिहार से ये लोग कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने अभी बताया है, जब कोई सेंट्रली गवर्निंग पावर आएगी तब सब लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, हर चीज करेंगे, और जैसे जैसे सेंटर वीक पड़ेगा तो जो छोटे छोटे होंगे ना लोग, वो अपने हाथ में पावर लेने की कोशिश करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, फिर 1225 में क्या होगा, इल्तुतमिश की पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट कर देंगे कि भाई बिहार और बंगाल का आप कंट्रोल ले लो, बंगाल के रूलर गियासुद्दीन को
हरा के। इल्तुतमिश वापस जाएंगे दिल्ली, गियासुद्दीन फिर से बिहार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, मलिक जानी जो कि वहां के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए थे उनको ओवरथ्रो करके। इसके बाद इल्तुतमिश अपने खुद कैंपेन करेंगे बंगाल रिवोल्ट को क्रश करने के लिए और डिफीट कर देंगे रूलर ऑफ बंगाल अबातुद्दीन को। दो सेपरेट प्रोविंस बनेंगी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट और रिवोल्ट, बिहार और बंगाल। इल्तुतमिश के रिटर्न के बाद उनके सक्सेसर्स कोई खास मेंटेन नहीं कर पाए थे बिहार के रूल को। बलबन के टाइम पे रिबेलियन फिर से स्टार्ट हो जाएगा बंगाल में और रिबेलियन को लीड करेंगे तुगरिल, इसको क्रश कर देंगे बलबन। और उसके बाद बलबन के बाद तुगलक पीरियड में टर्क्स का रूल स्टैब्लिश हो जाएगा नॉर्थ बिहार तिरहुट में इंक्लूडिंग साउथ बिहार। फिर जो स्टैब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होगा तुगलक डायनेस्टी का बिहार में, ये हमें कहां से पता चलती है? सूफी सेंट जो थे हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी, इनकी राइटिंग्स से। और इनकी राइटिंग्स क्या थी? मलफूजत मनाकिबुल एसमीज, और कॉइन्स भी मिले हैं कुछ तुगलक पीरियड के तिरहुत रीजन से। गियासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली रिटर्न कर रहे थे फ्रॉम बंगाल कैंपेन, उन्होंने हरसिंह देव को डिफीट किया, कर्नाट डायनेस्टी के रूलर, और तिरहुत मिथिला रीजन को तुगलक एम्पायर में मिला के उसका नाम रखा भागलपुर। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक फोर्ट और एक जामा मस्जिद बनाई थी दरभंगा में। हरसिंह देव को हरा दिया गया था और उन्होंने रिफ्यूज ले लिया था नेपाल में विद द हेल्प ऑफ पोएट विद्यापति। अभी ऊपर आपने इनकी वो भी देखी थी क्रिएशंस, राइटिंग्स के नाम, ध्यान रखती जाइए चीजें। अमात्य अमी गायकर जो थे हरसिंह देव के, वो जाते हैं कहां पे? ग्यासुद्दीन तुगलक के कोर्ट में, और हेल्प करते हैं हरसिंह देव को टू गेट द किंगडम बैक। इस टाइम पे प्रोविंशियल गवर्नर मक्ता जिनको बोलते थे, ये सब साथ साथ देखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऑफ बिहार मजदुल मुल्क ने डिफीट किया हरसिंह देव को। कैपिटल बिहार का तुगलक पीरियड में क्या था? बिहार शरीफ, जो मेजर सेंटर था बुद्धिज्म का। गियासुद्दीन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक स्टार्ट करते हैं बंगाल कैंपेन 1359 में, और इन्फॉर्मेशन जिसकी हमें पता चलती है कहां से? सिरते ए फिरोज शाही से। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली हैं। अफगान पावर का राइज, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे तिमुर का इन्वेजन हो जाता है 1398 में, सेंट्रल पावर दिल्ली सल्तनत की वीक हो जाती है, और पीरियड ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही सेंटर वीक होगा टूटना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सी क्षत्रिय डायनेस्टीज इस टाइम पे उभर के आती हैं, जैसे कि सैयद और लोदी, जिसमें से शर्की डायनेस्टी जो थी जौनपुर की और हुसैन शाही डायनेस्टी बंगाल की, ये काफी प्रोमिनेंट होती हैं। इस टाइम पे वेस्टर्न पार्ट बिहार का शर्की रूलर्स के अंडर होता है और ईस्टर्न पार्ट हुसैन शाही बंगाल वालों के अंदर, तो स्ट्रगल रहेगा इनके बीच में, जौनपुर बंगाल और लोधी डायनेस्टी के बीच में, किसके लिए? बिहार के लिए। तो प्रोमिनेंट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के दिल्ली में, वो थे बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी। हुसैन शाह जो कि रूलर थे जौनपुर के, रिवोल्ट करते हैं इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि क्रश कर दिया जाता है बाय सिकंदर लोधी। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े तो सिकंदर लोधी ने एस्टैब्लिश की थी अपनी अथॉरिटी बिहार के ऊपर और फोर्स किया था तिरहुट के रूलर्स को टैक्सेस पे करने के लिए, और मुबारक खान को अपॉइंट भी किया था टू कलेक्ट द टैक्स। 1504 में वॉर हुआ सिकंदर लोधी और नवाब ऑफ बंगाल अलाउद्दीन के बीच में, और एक ट्रीटी साइन होती है यहां पे जिसमें अलाउद्दीन एक्सेप्ट कर लेते हैं सिकंदर लोधी की सुजेरेनिटी। कहां पे? मतलब उनका अधिकार, उनका आधिपत्य ऑन द रीजन, कौन से रीजन पे? ऑन द रीजन ऑफ नॉर्थ बिहार, सारण और तिरहुट। इस टाइम पे लोधी रूलर जो इब्राहिम खान लोधी के टाइम पे बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी रिवोल्ट कर देते हैं। अफगान दरिया खान नुहानी के डेथ के बाद उनके बेटे मोहम्मद शाह नुहानी बहार खान बिहार को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देते हैं। पहला बैटल होगा पानीपत का कब? 1526 में। मुगल्स किसकी लीडरशिप में होते हैं? बाबर की लीडरशिप में। किसको डिफीट करते हैं? इब्राहिम लोधी को, और मुगल डायनेस्टी की स्थापना करते हैं दिल्ली में। तो जब अफगान स्ट्राइक कर रहे थे कंट्रोल करना जौनपुर को, बाबर जो है एक आर्मी भेज देता है हुमायूं के अंडर एक आर्मी भेज देता है जो अफगान नुहानी के जो रूलर थे उनके जो एफर्ट्स थे उनको वीक कर देते हैं। इस टाइम पे रूलर ऑफ अफगान जो होते हैं, अफगान रूलर मोहम्मद शाह स्टैब्लिश करते हैं ऑन साउथ बिहार, और नुशरत शाह रूलर ऑफ बंगाल ऑन नॉर्थ बिहार। तो इस तरीके से अफगान पावर स्टैब्लिश होती है यहां पे। सुर डायनेस्टी की बात करें तो नुहानीज के फॉल के बाद रिवाइवल हो जाता है अफगान पावर का शेर शाह सूरी के अंडर। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? फरीद खान। ये ग्रेट ग्रैंडसन थे इब्राहिम खान सुर के एंड द सन ऑफ हसन खान सुर। 1486 में इनका जन्म हुआ था पंजवाड़ा नियर दिल्ली। ग्रैंडफादर इब्राहिम खान एंड फादर हसन खान पंजाब छोड़ के आए थे और सर्विस में चले गए थे किसकी? सूबेदार जमाल खान ऑफ बिहार की। जमाल खान काफी खुश थे इनके सर्विस से, इनकी निष्ठा से हसन खान की, तो उन्होंने इनको काफी जागीर दे दी थी सासाराम, वासपुर और तंडा परगना की। इनका जो बचपन था वो बेसिकली सासाराम में बीता ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सोन, और इनका चाइल्डहुड कोई खास प्लेजेंट नहीं था। फादर इनके कुछ ज्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे और ना ही इनकी स्टेप मदर ध्यान देती थी।
ये जौनपुर चले जाते हैं। 15th सेंचुरी में जौनपुर काफी मेजर सेंटर रहा है इस्लाम रिलीजन और कल्चर का, इसको सिराज ऑफ इंडिया कहते थे जौनपुर को। तो इससे इनको काफी अच्छी नॉलेज मिली अरबिक और पर्शियन की। इनकी क्वालिटीज से इंप्रेस होकर जमाल खान ने इनको इनके मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लिया इनके फादर के साथ, हसन खान के साथ, और हसन खान ने जो जागीर थी सासाराम की वो फरीद खान को दे दी 1497 में। और इन्होंने जो काफी अच्छे से हैंडल किया, जो इनको मिला था ये सासाराम की जो जागीर इनको मिलती है, इसको काफी अच्छे से हैंडल करते हैं ये, और काफी स्ट्रीमलाइन कर देते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, और काफी लोगों को बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे रूलर साबित होते हैं ये जो मतलब जागीर जो इनको मिली होती है, नॉट रूलर। और फिर उसके बाद ये आगरा चले जाते हैं सासाराम से, क्योंकि फिर से इनके फादर और इनकी मम्मी के साथ इनकी बनती बनती नहीं थी, तो ये आगरा चले जाते हैं। हसन खान की डेथ के बाद इब्राहिम लोदी जो होते हैं वो हसन खान की जो जागीर होती है वो फरीद खान को दे देते हैं, और ये फिर से फिर सासाराम आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं एक स्ट्रगल हो जाता है किसमें, इनके हाफ ब्रदर्स में जो सासाराम की जागीर होती है उसके बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये फिर छोड़ देते हैं सासाराम और बाहर खान की पैलेस में ये रिफ्यूज लेते हैं, शरण लेते हैं। उसके बाद जब ये एक बार ये शिकार पे गए हुए होते हैं अपने मास्टर बाहर खान के साथ फॉरेस्ट में, जहां पे एक लायन को मार देते हैं एक ही झटके में, तो इनका जो बहादुरी देख के बाहर खान, कौन बाहर खान, इनको टाइटल देते हैं शेर खान का। और इनका काफी इन्फ्लुएंस होता है शेर खान का, तो अफगान चीफ जो होते हैं ना वो इनको एक्सपेल कर देते हैं साउथ बिहार से, और इनकी जो एंसेस्ट्रल जागीर होती है उससे भी थ्रू बाहर खान। इसके बाद ये पहुंचते हैं आगरा और मिलते हैं बाबर से। बाबर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं इनसे और वो इनको जॉब ऑफर करते हैं कि आ जाओ भाई आर्मी ज्वाइन कर लो। अभी जो इन्फ्लुएंस होता है इनका शेर खान का काफी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है। लोहानी चीफ जो होते हैं वो जलाल खान को इंस्टिगेट कर देते हैं मैनेज करने के लिए आर्मी, भड़का देते हैं, और जलाल खान हेल्प लेता है नुसरत शाह से जो सूबेदार होते हैं बंगाल के। नुसरत शाह पहुंचते हैं बिहार टू हेल्प जलाल, लेकिन इनको हरा दिया जाता है। कौन हरा देता है इनको? शेर खान। इसके बाद जलाल खान और लोहानी सरदार जो है सब ये चले जाते हैं बंगाल विद नुसरत शाह। उसके बाद शेर खान बनते हैं द डिफैक्टो रूलर ऑफ बिहार, और इनको टाइटल दिया जाता है हजरते आला, वेरी इंपॉर्टेंट। 1530 में इनकी शादी होती है लाड मलिका से। ये विडो होती हैं ताज खान की, पुराने सूबेदार होते हैं चुनार के, उनकी वाइफ होती हैं ये, उनकी डेथ हो जाती है तो इनसे ये शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये अपने बेटे कुतुब खान को डिप्लॉय करते हैं टू प्रोटेक्ट चुनार। बाबर की डेथ के बाद हुमायूं रूलर बनते हैं दिल्ली के 1530 में। वो बड़ी सी आर्मी भेजते हैं चुनारगढ़ पे अटैक करने के लिए। शेर खान यहाँ पे काफी पॉलिटिकल सूझबूझ दिखाते हैं और अपने बेटे कुतुब खान को सरेंडर करने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद हुमायूं के साथ इनकी ट्रीटी हो जाती है, इजी टर्म्स होते हैं। इसके बाद शेर खान मतलब इस तरीके से अपनी सूझबूझ से वो चुनारगढ़ को बेसिकली बचा लेते हैं। तो ये हमने बेसिक चीजें देखी। अगर हम बात करें बिहार की ड्यूरिंग मुगल पीरियड, तो जो क्रेडिट है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी इंडिया में किसको जाता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। ये डिसेंडेंट थे तिमुर लंग के और चंगेज खान के, लेकिन इनको पसंद नहीं था चंगेज खान का डिसेंडेंट खुद को बुलाना। तो इन्होंने डिफीट किया इब्राहिम लोदी को, और कहाँ पे? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और रूलर बने थे लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया के। बिहार में सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी और उनके जो चीफटेंस होते हैं, और फॉर्मुली ट्राइब जो होती है उस वो चैलेंज की जाती है। मिलिट्री कैंपेन के वक्त बाबर फोर्स करते हैं सुत्रा सरदार को सरेंडर करने के लिए, कौन सी जगह? बक्सर बिहार में, अप्रैल 1529। मतलब अंग्रेजों वाले बैटल के बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के अलावा भी देखिए बक्सर का नाम कहीं पे आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। इसके बाद ये मुर्शीद इराकी को दीवान बनाते हैं बंगाल का, डिफीट करते हैं मुनेर चीफटेंस को 27 अप्रैल 1529 को, और शेर शाह बाबर की आर्मी में सर्व करते थे, हमने देखा ही था, उन्होंने काफी इंप्रेस हो गए थे उनसे। मुगल एम्पायर रिस्टोर होती है इंडिया में बाय हुमायूं इन 1555 to 56। उसके बाद अकबर को कहा जाता है फाउंडर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। बड़ी सी एम्पायर बनाते हैं ये। 1564 में एक वेल्दी एक रिच सुलेमान होता है कर्रानी, जो इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश कर देता है बिहार में। उसकी डेथ के बाद दाऊद खान रूलर बनता है बिहार का 1572 में। दाऊद खान डिस्ट्रॉय करता है फोर्ट ऑफ पटना। अकबर भेजता है मुनीम खान को बिहार में टू क्रश द ग्रोइंग पावर ऑफ दाऊद खान। वो इस टाइम पे हाजीपुर में होते हैं और उनके मिनिस्टर रोहतास में होते हैं, कौन? लोधी सरकार। मुनीम खान को सक्सेस नहीं मिलती है ओवर दाऊद खान, तो एम्परर अकबर खुद जाते हैं पटना। वो अटैक करते हैं फोर्ट ऑफ हाजीपुर में और बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं बाकी अफगान्स को अलॉन्ग विद फोर्टिफाइड फतेह खान बरहा। तो इस तरीके से अकबर जो है हाजीपुर के फोर्ट पे कब्जा कर लेते हैं। अकबर अपने जनरल शाहबाज खान को भी भेजते हैं अगेंस्ट राजा बैरीशाल ऑफ छोटा नागपुर। बैरीशाल जो होते हैं वो हार जाते हैं बाय शहबाज खान, और वो उनकी सुजरेनिटी मतलब अकबर का जो
आधिपत्य होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। 1579 में राजा मानसिंह जो है वो इन्वेड करते हैं चेरो किंगडम ऑफ पालमो, जो जिसकी वजह से उनको मुगल एम्पायर की सुजरेनिटी एक्सेप्ट करनी होती है। अकबर भी डिफीट करते हैं राजपूत किंग ऑफ मिथिला को और उनको राइट दे देते हैं टू कलेक्ट द रेवेन्यू इन दैट एरिया। किसको देते हैं राइट? मैथिली ब्राह्मण महेश ठाकुर को। मानसिंह स्ट्रेंथन करते हैं मुगल पावर को इस रीजन में बिटवीन 1587 एंड 1594। वो डिफीट करते हैं लोकल चीफ्टन्स को वहां के और रोहतास को अपनी कैपिटल बनाते हैं मानसिंह, और राजमहल से अपनी कैपिटल शिफ्ट करके कुछ टाइम पे राज, मतलब उनकी कैपिटल होती है राजमहल, उसका नाम कुछ टाइम के लिए रखते हैं अकबर नगर। देखिए क्या इन्फ्लुएंस था इनका। जहांगीर जो है प्रिंस परवेज को गवर्नर अपॉइंट करते हैं बिहार का 1621 में। जहांगीर के टाइम पे मुगल अथॉरिटी जो होती है एस्टैब्लिश हो जाती है कहां पे? खोखरा देश, छोटा नागपुर वाले एरिया में। और इनको पोजेशन भी मिल जाता है जहांगीर को डायमंड माइंस छोटा नागपुर की। जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है तो जूके जहांगीरी, वो उसमें भी लिखा है कि वो गोल्ड ऑब्टेन करते थे इस एरिया से। शाहजहां कैप्चर कर लेते हैं रीजन बिहार का परवेज से और उनका रेबेलियन क्रश हो जाता है इस, मतलब इन शाहजहां के टाइम पे काफी पीस रहता है बिहार में। औरंगजेब जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं अपने ग्रैंडसन प्रिंस आजम को सूबेदार ऑफ बिहार इन 1702। प्रिंस आजम चेंज करते हैं नेम ऑफ पटना टू अजीमाबाद, ये ध्यान रखना थोड़ी सी चीजें, और 1 करोड़ रुपए स्पेंड करते हैं सिटी के ब्यूटिफिकेशन के लिए। जो देन उस वक्त के दीवान होते हैं बंगाल के वो कौन होते हैं? मुर्शीद कुली खान। वो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल स्टैब्लिश करते हैं 1704 में और बंद कर देते हैं टैक्स पे करना मुगल एम्परर को। अजीम का बेटा होता है फरूख शियार जो कि पटना में ही पैदा हुआ होता है। वो एम्परर जहंदर शाह को डिफीट कर देता है और अथॉरिटी स्टैब्लिश कर देता है ऑन द मुगल थ्रोन। फरूख शियार का अच्छा खासा सेरेमोनियल कोरोनेशन होता है, मतलब राजपोशी होती है, पटना में होती है, और वो जीतता भी है इन द बैटल ऑफ आगरा और एम्परर बन जाता है। वो पहला मुगल एम्परर होता है जो कोरोनेट किया गया है बिहार में। स्टार बनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। फरूख शियार के सक्सेसर शहाबुद्दीन और सरफराज खान रूल करते हैं टिल 1740। नायब नजीम की जो पोस्ट होती है वो क्रिएट की जाती है स्पेशली किस लिए? कि बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी स्मूथ चले। अलीवर्दी खान बनते हैं फर्स्ट नाजिम, इंपॉर्टेंट है। 1740 में अलीवर्दी खान सरफराज खान को मार देते हैं और अपने आप को नवाब ऑफ बंगाल बना देते हैं और उनका रूल रहता है टिल 1756। उसके बाद जैनुद्दीन हबायत को नायब नजीम बता देते हैं, नई जो पोस्ट क्रिएट होती है इनको बना देते हैं, और अलीवर्दी खान को अटैक फेस करने पड़ते हैं फ्रॉम मराठाज एंड अफगान्स। शुरू से ही 1743 में मराठा पेशवा बालाजी राव पूना के अटैक करते हैं बिहार पे और भागलपुर पहुंच जाते हैं मुंगेर होते हुए। अफगान्स जो होते हैं हैबतगंज को जंग को मार देते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ होम मुस्तफा खान 1748 में। अलीवर्दी खान जो है उनको डिफीट कर देते हैं इन द बैटल ऑफ पटना 1751 में। अलीवर्दी खान खुद हार जाते हैं, अलीवर्दी खान हरा देते हैं मराठास को। एक बैटल होता है नियर फतुहा, लेकिन मराठास फिर भी डोमिनेट करते हैं मोस्ट ऑफ उड़ीसा। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद कौन सक्सीड करता है? सिराजुद्दौला 1756 में। मुगल बिहार के टाइम पे जब मुगल्स का चल रहा था तो बिहार का गवर्नेंस कैसा था वो देखेंगे अब हम। तो जो गवर्नेंस सिस्टम था बिहार का मुगल पीरियड के टाइम पे वो काफी लेवल्स में डिवाइडेड था। बहुत टाइम तक तो ये रहा कि जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था वही रखा गया फ्रॉम 1526 टू 1540। बाबर ने अफगान्स को हरा दिया था बिहार के घाघरा के युद्ध में, घाघरा वॉर 1529 में। उसके बाद उन्होंने वो बिहार आए बहुत बार लेकिन ज्यादा कुछ नहीं वहां पे सेटअप उन्होंने चेंज किया। 1540 में जब शेरशाह ने अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश की तो उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे लगाया। उन्होंने कंप्लीट जो फॉर्म था ना नॉर्थ पार्ट ऑफ मॉडर्न बिहार का, मतलब वो उसको एक कंप्लीट फॉर्म दे दिया। एडमिनिस्ट्रेशन को काफी सारे लेवल्स में डिवाइड कर दिया जो बाद में फॉलोड थे बाय, मतलब एम्परर अकबर ने भी सेम सिस्टम फिर बाद में फॉलो किया। अकबर ने बिहार को सूबा बनाया या फिर प्रोविंस और ये चलता रहा टिल औरंगजेब। एन ए अकबरी की माने तो जो बिहार था, जो सूबा था, वो डिवाइडेड था इंटू 7 सरकार्स या फिर डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो सरकार थी ये कौन कौन सी थी? तिरहुट, हाजीपुर, सरन, चंपारण, मुंगेर विहार एंड रोहतास। और सरकार्स डिवाइडेड थे 199 परगनास में। मिथिला टॉप पे चीफ था। बेठिया और हथुआ जो थे वो नदरन बिहार सरकार के अंडर आते थे और मुंगेर बिहार और रोहतास मेन सरकार्स थे साउथ बिहार में। पटना और गया जो थे वो एरियाज थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार और गवर्नमेंट्स जो थी वो प्लेस्ड थी अंडर जमींदार्स।
औरंगजेब का जब आता है टाइम तो नंबर ऑफ सरकार बिहार में 8 थे और परगनास कितने हो गए 245 और बिहार को स्टेटस दिया गया ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस बाय द मुगल्स। कुतुबुद्दीन कोकल, सुलेमान शिखो, आजम, अजीमुशान, मानसिंह, सैफ खान, मीर जुमला, दाऊद खान, इन सबको सूबेदार्स बनाया गया था और एक दीवान भी अपॉइंट हुआ था इनको असिस्ट करने के लिए। मेन फंक्शन दीवान का था टू कलेक्ट रेवेन्यू। सदर जो था, सदर ही वॉज द हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट और काजी किसका हेड था, काजी जज था। बख्शी वॉर डिपार्टमेंट का हेड होता था और फौजदार जो होता था वो जनरल होता था प्रोविंशियल आर्मी का। कोतवाल पुलिस डिपार्टमेंट का हेड था और मेन फंक्शन ऑफ मेहर MEHR इज टू कलेक्ट टैक्सेस एट पोर्ट्स, पोर्ट्स पे टैक्सेस कलेक्ट करता था, कस्टम ड्यूटीज और पॉलिटिशियन से टैक्सेस कलेक्ट करता था। काफी अमीर होगा ये। वाकाई की बात करें तो वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑफिसर था, मतलब कि रिवर संबंधित जो इंफॉर्मेशन थी वो गैदर करता था, वाकाई या वकाई जैसे भी हम प्रोनाउंस करें। फौजदार चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था सरकार का और चीफ असिस्टेंट भी होता था सूबेदार का। रेवेन्यू, पुलिस, मिलिट्री पावर्स जो ये थी ये फौजदार के पास थी, मतलब कि आजकल के ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब थे, तो काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। आमल गुजार जो था वो रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर था और हर गवर्नमेंट में देर वॉज अ कौड़ी और कादी जो स्कॉलर ऑफ थियोलॉजी था। मुफ्तीज जो थे वो अपॉइंट होते थे प्रिजनर्स को असिस्ट करने के लिए और वो क्रिमिनल केसेस भी सुनते थे। मीर आदिल उनकी हेल्प के लिए होता था। कोतवाल जो है वो वर्क करता था एज एन अर्बन ऑफिसर, पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिटी में। बहुत से परगनास थे हर एक गवर्नमेंट के अंडर। बिहार में जो परगनास थे अकबर के टाइम पे वो थे अराउंड 200 और औरंगजेब के टाइम पे 246 थे। स्मॉलेस्ट यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या थी, परगना। शिकदार चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था परगना में। रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो थी रेवेन्यू से रिलेटेड वो थी आमिल के ऊपर। कारकुन का जो फंक्शन था वो था अकाउंट्स प्रिपेयर करना परगनास के और ट्रांसफर करना रेवेन्यू गवर्नमेंट ट्रेजरी में। फोर्टदार ये जो थे अथॉरिटी थी इनके पास ऑफ द लोकल स्टेट ट्रेजरी। चौधरी वॉज द रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर और कानून को डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते थे अपने पास रेवेन्यू से रिलेटेड। मुगल रूलर्स ने काफी फेयर गवर्नेंस सिस्टम स्टैब्लिश किया, कंटिन्यू रहा कब तक, शेरशाह तक। कोर्ट स्टैब्लिश हुए बहुत अलग अलग जगहों पे, काजी कलाम, सदगली, इन सब में। और किसने स्टैब्लिश किए, जफर खान, एक ऑफिसर थे वायसराय दाऊद खान के। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुगल प्रोविंस का काफी स्ट्रॉन्ग था, बहुत से विलेजेस आते थे परगनास के अंडर, को इंटरफेरेंस नहीं था बाय मुगल एम्परर। और मुखिया आज भी होते हैं, गांव प्रधान जिनको बोलते हैं मुखिया, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, हेड ऑफिसर होता था विलेज का। विलेज लेवल पे विलेज हेडमैन जो होता थे वही सेटल करते थे डिस्प्यूट्स। पंचायत जो है कोर्ट का फंक्शन भी परफॉर्म करती थी, आज भी करती हैं। इनकम बिहार प्रोविंस की जो थी वो मेनली कहां से थी, लैंड रेवेन्यू, ट्रेड, मिंट, गिफ्ट्स, मोनोपोली, सॉल्ट माइंस, जिजिया। क्या है जिजिया बताइए जरा, वेरी फेमस, पता होना चाहिए आप सबको, पता ही होगा वैसे, खम्स, जकत, ये सब। इसके अलावा मार्केट टैक्स भी था। लैंड डिवाइडेड था खालीसा, जागीर और सयूरगल में। और ही देयर वर न्यूबीज एंड लॉ सूट्स टू हेल्प हिम। अकबर के टाइम पे टोडर मल ने मेजर किया था लैंड ऑफ बिहार और फिक्स कर दिया था लैंड रेवेन्यू टू अबाउट 25 लाख रुपीज। जो मेन टैक्स थे वो किस पे लगते थे, मर्चेंट्स पे। नाम क्या क्या थे, वजूहत, जिहत, सैर जिहत, फरौत जो टैक्स था वो कौन कलेक्ट करता था, जमींदार। इसके अलावा एक रजत, अभाव, हुबूहत, ये मेजर टैक्सेस थे और टैक्सेस ब्रॉथल्स से भी कलेक्ट होते थे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो स्पेशल अटेंशन दी जाती थी बिहार में। रेसलर्स की पोजीशन थी आर्मी में, इंपॉर्टेंट थी। इसी में पीपल ऑफ महेशी जो रीजन थे, मदेशी होगा ये, नॉर्थ बिहार में और बक्सर में, ये काफी प्रोमिनेंट थे। तीन तरह की आर्मी थी जो डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ मनसाब। सेकेंड जो था वो थी प्रोविंशियल आर्मी, जिसमें जमींदार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और प्रोविंशियल आर्मी जो थी उसको असिस्ट, दैट वॉज असिस्टेड बाय द सूबेदार। और जो थर्ड टायर था आर्मी का वो था लोकली फॉर्म्ड कैवलरी। तो ऐसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट कुछ चीजें देख ली। सोशल स्टेटस कैसा था मिडिवल बिहार में, भाई रिलीजियस सेक्ट्स में डिवाइडेड था और कास्ट सिस्टम, ये तो भाई हमेशा से ही चला आ रहा है। हिंदू सोसाइटी जो थी मेनली 4 वर्णास में डिवाइडेड थी और बहुत सारी कास्ट्स में। वर्णास कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्र। ब्राह्मण्स की हाईएस्ट पोजीशन थी, फिर इसके बाद क्षत्रियस की प्लेस थी सोसाइटी में, और वैश्यस जो थे वो इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज में एंगेज थे। कोई खास सिग्निफिकेंट चेंज हुआ नहीं था शूद्रस की पोजीशन में, पहले की तरह वो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या फिर लेबर वाले काम में
एंगेज्ड थे। मिडिवल बिहार में स्पेशली ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति के फॉर्म में वर्शिप होते थे और शक्ति जो थी उनकी पूजा होती थी मिथिला में। और मेंशन है ऑफ देवादित्य मदन मिश्र, गंगेश उपाध्याय और बाकी के तांत्रिक्स भी यहाँ पे मिलते थे अमंग द बिग सेंट्स एंड वर्शिपर्स। शैविज्म यहाँ पे काफी पॉपुलर रहा है। मेन रिलीजियस सेंटर्स थे शैविज्म के बैद्यनाथ धाम, वैकतपुर, पटना, बौद्धगया मठ, हाजीपुर, समस्तीपुर, ये सब। शैविज्म के फॉलोअर्स लार्जेस्ट कहाँ थे? नॉर्थ बिहार में। हरिहरनाथ टेम्पल जो है सोनपुर का, इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल जहां पे विष्णु और शिव की कंबाइंड वर्शिप होती थी। स्लेवरी प्रिवेलेंट थी, ओनर और मास्टर बेच और खरीद सकते थे स्लेव्स को जब वो चाहें। क्लियर एविडेंस है ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी किसके काम में? विद्यापति के काम में। विद्यापति की कीर्ति लता देखिए, ये पूछा था मैंने आपसे, बताती है कंडीशन हिंदूज की 13वीं-14वीं शताब्दी में, जो काफी दयनीय थी, पैथेटिक थी, इसलिए कहा जा सकता है कि कोई खास अच्छी नहीं थी सोशल कंडीशन मिडिवल बिहार में। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो भाई एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर बैकबोन था इकोनॉमी का। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? प्रोडक्शन ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ यूज लोकली, जो भी सामान ये लोग यूज कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं। फूड क्रॉप्स में फार्मर्स क्या ग्रो करते थे? पैडी, धान, पल्सेस, ऑयल सीड्स, बार्ले, मिले, शुगर क्रेन, कॉटन, वीट, टबेको और ओपियम भी कल्टीवेट की जाते थे, जो कि मेडिसिन और इंटॉक्सिकेंट्स के रूप में यूज होते थे। इसके अलावा शुगर ऑयल, एरोमेटिक ऑयल्स, परफ्यूम्स, ये सब भी बनता था और एक्सपोर्ट भी होता था। एक नई क्लास जमींदार, जागीरदार और मिडिलमैन की उभर के आती है लेट मिडिवल पीरियड में, जिसकी वजह से पीजेंट्स की कंडीशन थोड़ी खराब हो जाती है। फ्यूडल सिस्टम में जो काम था ऑफ कलेक्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स, ये शुरू हो जाता है, जिसका जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर पे बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और ये एक्सप्लॉइट करेंगे छोटे पीजेंट्स को और उनको उनकी जमीन भी छीन लेंगे उनसे। बहुत सी इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड थी, टेक्सटाइल, सिल्क, शुगर, काउ, लेदर, वुड, हैंडीक्राफ्ट। और रीजन ऑफ तिरहुट जो था वो काफी फेमस था फॉर द गाव्य इंडस्ट्री। मिथिला बहुत बड़ा टेक्सटाइल मार्केट था, बहुत फेमस था। 30 तरह के कपड़े मेंशन्ड हैं इन द बुक वर्ण रत्नाकर, इस पीरियड की एक बुक है, उसमें 30 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मेंशन्ड। सिल्क वर्म्स मिलते थे बंगाल में, सिल्क क्लॉथ मैन्युफैक्चर होता था बिहार में। इसके अलावा स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई थी मिडाइवल बिहार में। सूफिज्म की बात करें तो कल्चरल डेवलपमेंट का सीक्वेंस हुआ और उन्होंने, जिसकी वजह से सूफी सेंट्स का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे। अर्ली सूफीज की बात करें तो सेंट इमाम ताज फकी जो सेटल हुए थे मानेर में 12वीं सेंचुरी में, वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। 13वीं सेंचुरी में बहुत से सूफी सिलसिलाज एक्टिव थे बिहार में, चिश्ती, कादरी, सुहरवर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी, ये सब। मोस्ट ऑफ द सूफी सेंट्स जो थे चिश्ती और सुहरवर्दी सेक्ट के बिहार में कंट्रीब्यूट कर रहे थे इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कल्चर। सबसे पॉपुलर था इसमें से फिरदौसी सेक्ट। मखदूम सफरुद्दीन यहिया मनेरी काफी इंपॉर्टेंट प्लेस एक्वायर करते हैं अमंग द सेंट्स ऑफ फिरदौसी सेक्ट। 1263 में इनका जन्म हुआ था, इनके फादर का नाम था मखदूम यहिया मनेरी। आज भी इनकी दरगाह है जिसका नाम है बड़ी दरगाह इन मनेर। और इन्होंने कहा था कि लोगों की अथॉरिटी ना एक्सेप्ट करके लव और अथॉरिटी भगवान की एक्सेप्ट करो। 1381 में इनकी डेथ हो जाती है बिहार में। फिरदौसियंस ने एम्फेसाइज किया था ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने कोई रिलीजियस चेंज को सपोर्ट नहीं किया था, फिर भी उनके आइडिया से इन्फ्लुएंस होके हिंदूज ने एक्सेप्ट किया था द रिलीजन ऑफ इस्लाम। इनका जो मकबरा है, टोम्ब है ऑफ मखदूम यहिया मनेरी, फादर ऑफ मखदूम सफरुद्दीन, उसको बोलते हैं बड़ी दरगाह। दरगाह ऑफ अहमद चिरमपोश एक और प्रोमिनेंट सेम है, सेम फिरदौसिया सिलसिले के ही, जो अंबई में है नियर बिहार शरीफ। ये डिसाइपल थे ऑफ द स्पिरिचुअल गुरु शेख अलाउद्दीन चिरमपोश भागलपुर, इनके ये शिष्य थे। मेन सुहरवर्दी सिलसिला बिहार के दो सब ब्रांचेस हैं, पहला है फिरदौसिया, दूसरा है सतारिया सिलसिला। सतारिया सेक्ट किसने स्टार्ट किया था? अब्दुल सत्तार, और उन्हीं के नाम पे है ऑफ बिहार, याद रखना। कादरी और नक्शबंदी सेक्ट काफी एक्सटेंसिवली स्प्रेड हुए बिहार में। कादरिया सेक्ट जो था सूफी ऑर्डर का, वो बाद में आया बिहार में कंपैरेटिवली। अली शेर जो थे वो पहले सेंट थे ऑफ द कादरिया सेक्ट, ठीक है। अभी हमने फिरदौसिया देखा ना, इनको दफनाया गया था इन कुतुंब औरंगाबाद में। सबसे माने गए, सबसे इन्फ्लुएंशियल सेंट थे कादरी सिलसिले के मखदूम शाह मोहम्मद मुन्नाम। पटना में इनका जन्म हुआ था एक गांव में नियर बिहार शरीफ। इन्होंने मीर ताकी मस्जिद बनवाई थी मितान घाट लोकैलिटी में पटना में। और टोम्ब ऑफ सखाले एक और प्रोमिनेंट सूफी सेठ है नक्शबंदी सेक्ट के, इनकी जो टोम्ब है, इनका जो मकबरा है, ये है वेस्ट गेट ऑफ पटना में लोकेटेड। तो ऐसे हमने सूफिज्म यहाँ पे
देख लिया। आर्किटेक्चर की बात करें तो मिडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत के अंडर था, तो शर्की, लोधी, सुर ये सब मुगल रूलर्स थे, तो इन्हीं का इन्फ्लुएंस होगा आर्किटेक्चर पे भी। बहुत सुंदर स्पेसिमेन है रॉयल स्टाइल ऑफ दिल्ली सल्तनत का, क्या टोम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम बिहार ऑफ बिहार शरीफ, 1353 में बनाया गया था। सेम स्टाइल की और भी बिल्डिंग्स थी, टोम्ब ऑफ हजरत मोहम्मद सिब्तानी बिहार शरीफ में, मलिक बयान का मकबरा और सांगी मस्जिद जो कि पटना में लोकेटेड है। बिहार में 15 सेंचुरी में बंगाल स्टाइल डेवलप होता है। बंगाल स्टाइल जो है वो शर्की रूल के अंडर ज्यादा डेवलप हुआ था, और मेन बिल्डिंग अगर बात करें बंगाल स्टाइल की तो कौन सी है, शाहनाफी मुंगेर में। सबसे बेहतरीन जो स्पेसिमेन है सुर स्टाइल का, अफगान स्टाइल का, वो कौन सा होगा भाई, तो वेरी फेमस टोम्ब ऑफ शेर शाह एट सासाराम, 1548 में बनवाया गया था, लास्ट इन द सीरीज ऑफ ऑक्टागोनल टॉम्स। ये जो है टॉम बहुत ब्यूटीफुल है, एंड इट इज अ ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर। पर्सी ब्राउन और कनिंगम ने भी इस टॉम की तारीफ की थी। इसको बनवाया था शेरशाह ने एट रोहतास इन बिहार, और ये 40 किलोमीटर साउथ ऑफ देहरी है ऑन कैमूर माउंटेन रेंज। गणेश टेम्पल, हाथी दरवाजा, हैंगिंग हाउस, हथिया पोल, आईना महल, हब्ज खान का मकबरा, जामा मस्जिद, दीवान ए खास, दीवान ए आम, ये सब है रोहतासगढ़ फोर्ट के अंडर लोकेटेड। बिहार की बिल्डिंग्स में जो बनाई गई अंडर द रूल ऑफ अकबर एंड जहांगीर, उनको बोला जाता है प्री आर्ट मुगल स्टाइल, क्योंकि दो आर्किटेक्चरल स्पेसिमेंट्स की अगर बात करें इस टाइम की तो वो हैं इवास खान रोहतासकर की मस्जिद और सकी सुल्तान का मकबरा। इन बिल्डिंग्स जो इस टाइम पे बिल्डिंग्स बनाई गई जहांगीर के टाइम पे, वो थी द मॉजुलम ऑफ मखदूम शाह, ये लोकेटेड है मैनेर में, काफी प्रोमिनेंट है, जिसको छोटी दरगाह भी कहा जाता है। अभी हमने बड़ी दरगाह देखी थी तो अब छोटी दरगाह भी आ गई है। इट वॉज बिल्ट इन 1617 इन रेड सैंड स्टोन, रेड स्टोन या रेड सैंड स्टोन। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसी टाइम का, संगी मॉस्क ऑफ फुलवारी शरीफ। मोजुलम की बात करें मखदूम साहिब की, जो लोकेटेड है इन चंपानगर नियर भागलपुर अंडर द नॉर्थ मुगल आर्ट स्टाइल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी के स्ट्रक्चर्स जो इस स्टाइल के हैं वो है जामा मस्जिद एट हाजीपुर, तोला मस्जिद ऑफ मीरा साहिब इन भागलपुर, शेर शाह मस्जिद ऑफ पटना, मदरसा मस्जिद ऑफ मदरसा घाट इन पटना, और टोम्ब ऑफ मुनरुद्दौला। आर्टिस्टिक हिंदू टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे बहुत जगह, द शिव टेम्पल एट वैकुंठपुर पटना, जिसकी लिए राजा मानसिंह ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था, और हरीशचंद्र टेम्पल इन रोहतासगढ़ भी है विच वॉज बिल्ट बाय राजा मानसिंह। गणेश मंदिर भी इसी टाइम का मंदिर माना जाता है। अब क्या होगा, जब यूरोपियन ट्रेडर्स आएंगे तो यूरोपियन आर्किटेक्चरल का स्टाइल इफेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसी स्टाइल से हॉलैंड स्टाइल बिल्डिंग्स भी बनी हैं कुछ, कौन सी, पटना कलेक्ट्रेट, पटना कॉलेज, और यूरोपियन स्टाइल देखा जा सकता है ऑन राजभवन, मेन सेक्रेटरिएट एंड हाई कोर्ट आल्सो। तो हमने ये मेन आर्किटेक्चर के पॉइंट्स देख लिए। क्रोनोलॉजी देखेंगे हम प्री मिडिविल बिहार की, 750 से 1175 में पाल डायनेस्टी का शासनकाल था या फिर रेन था। 750 से 770 तक जो गोपाल थे फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, उन्होंने स्टैब्लिश किया उदंतीपुर, उदंतपुरी विहार। 770 से 810 तक धर्मपाल आए और विक्रमशिला विहार स्टैब्लिश किया। 810 टू 855 देवपाल का रेन है, पीरियड ऑफ कल्चरल प्रोग्रेस हुआ पाल किंगडम में, पाल डायनेस्टी में। 858 से 912 रेन ऑफ नारायण पाल, 912 से 936 रेन ऑफ राजपाल। देखिए ये याद रहे ना रहे आपको, एटलीस्ट ये वाली क्रोनोलॉजी बन जाएगी आपकी कि पाल डायनेस्टी में पहले मतलब स्टार्ट होती है, फिर कौन पहले आए, फिर कौन बाद में आया, तो एक बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। 105 से 1197 सेन डायनेस्टी ने बिहार पे रूल किया और डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म हुआ। 1097 से 1098 कर्नाट डायनेस्टी का राइज होता है मिथिला और तिरहुट में। 1180 से अराइवल ऑफ इमाम ताज फकीर, पढ़ा था ना, तो ये वो वाला टाइम पीरियड है। क्रोनोलॉजी इन मिडाइवल बिहार, 1197 से 98 में टर्किश पार का एस्टैब्लिशमेंट होगा, लास्ट पाल रूलर हार जाएंगे, बाय हुम, बख्तियार खिलजी, ये इंद्रधनु पाल थे। 1203 से 04 कैप्चर्ड बाय बख्तियार खिलजी ऑन कहां पे, किस चीज को कैप्चर करेंगे बख्तियार खिलजी, लक्ष्मण वटी को, लखनौती, लक्ष्मण सेन डिफीट कर देंगे, ये हार जाएंगे यहाँ पे, और एक्सपेंशन होगा ऑटोमन पार का, बंगाल कामरूप कैंपेन होगा बख्तियार खिलजी का। 1290 से 1381 लाइफ स्पैन है फेमस सूफी सेंट बिहार के मखदूम सैफुद्दीन मनेरी का, पढ़ा था ऊपर। 1324 से 25 घियासुद्दीन तुगलक का कैंपेन नॉर्थ बिहार में, एंड ऑफ कर्नाट डायनेस्टी, बस यही इंपॉर्टेंट है। 1359 से 60 फिरोज शाह का जयपुर कैंपेन, ठीक है, और 1504 में सिकंदर लोधी बिहार आएंगे। 1528 से 32 नूहानी अफगान्स बिहार में आएंगे। 15
29 में बैटल ऑफ घाघरा, नुहानी सरदार हार जाएंगे बाय हुम? बाबर। 1532 नुहानी सरदार हार जाएंगे बाय हुमायूं, बैटल ऑफ देवरौगा, इंपॉर्टेंट। 36 में सुल्तान ऑफ बंगाल हारेंगे बाय हुम? शेर खान, सूरजगढ़ के युद्ध में। ये सब इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। 1539 में हुमायूं हार जाएगा बाय हुम? शेर शाह, इन द बैटल ऑफ चौसा, वेरी फेमस। राइज ऑफ अफगान्स फिर से स्टार्ट हो जाएगा। 40 में 1540 हुमायूं फिर से हारेंगे बाय शेर शाह, द बैटल ऑफ बीलग्राम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शेर शाह की अथॉरिटी ओवर दिल्ली और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुर डायनेस्टी, स्टार बना लो। 1540 से 55 रेन ऑफ सुर डायनेस्टी, 40 से 45 शेर शाह का शासनकाल चलेगा। 41 में पटना का रिकंस्ट्रक्शन होगा और एस्टैब्लिशमेंट होगा प्रोविंशियल कैपिटल बाय शेरशाह। 45 में कंस्ट्रक्शन ऑफ शेरशाह टोम इन सासाराम, इंपॉर्टेंट डेट है। 1556 से 76 रूल ऑफ करारानी अफगान्स इन बिहार। 74 से 76 अकबर का इन्वेजन बिहार में, डिफीट ऑफ दाऊद करगनी, मुगल रूल स्टार्ट होगा। 1580 में फॉर्मेशन ऑफ बिहार प्रोविंस। 1585 से 87 ब्रिटिश ट्रैवलर राल्फ फिच आएंगे यहाँ पे और ईरानियन ट्रैवलर मुल्ता ताकि। अब देखिए, ये याद रहे ना रहे, एटलीस्ट ये पता रहेगा कि ये ट्रैवलर कहाँ के थे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। 1608 में विजिट ऑफ ईरानियन ट्रैवलर अब्दुल लतीफ। 1616 में कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉम्ब ऑफ शाह दौलत एट मानेर। 1619 में ईरानियन ट्रैवलर मोहम्मद सादिक आएंगे बिहार में। 21 में अपॉइंटमेंट ऑफ राजकुमार परवेज टू द पोस्ट ऑफ सुबेदार इन बिहार, ऊपर देखा था हमने। 1623 में शाहजहां का रिबेलियन एंड ही ट्राई टू कैप्चर बिहार। 1651 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्री, ट्रेडिंग सेंटर बनाएंगे ब्रिटिशर्स पटना में। 1666 में बर्थ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। 1665-66 में फ्रेंच ट्रैवलर आएंगे बर्नियर बिहार में। 1771 में ब्रिटिश ट्रैवलर जॉन मार्शल आएंगे। 1702 में राजकुमार आजिम अपॉइंट होंगे कैस क्या सूबेदार ऑफ बिहार पटना, बिहार और पटना का नाम रखा जाएगा अजीमाबाद, देखा था ये भी ऊपर। 1713 में मुगल एम्परर फरूक शियार का की राजपोशी होगी इन पटना। 1733 में नवाब्स ऑफ बंगाल स्टैब्लिश करेंगे कंप्लीट कंट्रोल ओवर बिहार। 1734 से 40 में अलीवर्दी खान सर्व करेंगे एज द नायब नवाब इन बिहार। 1740 से 48 में हैबत जंग सर्व करेंगे एज नायब नवाब इन बिहार, ये एक नई पोस्ट हमने ऊपर देखी थी। 1748 में रोहिला अफगान्स रिवोल्ट करेंगे बिहार में और हैबतगंज को मार देंगे। 1751 में मराठा इन्वेजन होगा। 1757 में क्या होगा, बैटल ऑफ प्लासी, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो पढ़ाया था मैंने। मर्डर ऑफ सिराजुद्दौला, मीर जफर, नवाब ऑफ बंगाल, राजा रामनारायण सिंह को नायब नजीम बना देंगे। 1759 से 60 में राजकुमार अली गौहर का अनसक्सेसफुल कैंपेन होगा अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसके बाद शाह आलम टू का कोरोनेशन होगा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द ब्रिटिश। 64 में क्या होगा, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 65 में रेवेन्यू राइट्स मिल जाएंगे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के शाह आलम टू को, शाह आलम टू से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहां से स्टार्ट होगी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की। 69 में ब्रिटिश इंस्पेक्टर बनेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, छोड़ दो इसे। 1770 में फॉर्मेशन ऑफ बिहार काउंसिल और सप्रेशन होगा ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ नोनिया कम्युनिटी और फेमाइन होगा बहुत बड़ा एक बिहार और बंगाल में। 1774 में प्रोविंशियल कमेटी बनेगी एज पर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, पढ़ा है नहीं पढ़ा है बस इतना बताओ। 1781 में लैंडलॉर्ड्स का रिवोल्ट होगा इन पटना, पहला संतल रिबेलियन, स्टार बना लो। 86 में गोलघर का कंस्ट्रक्शन बाय जॉन ऑगस्टस। 89-94 तमार रिबेलियन, बस नाम याद रखना। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार। हु इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट, कौन लेके आया था, जरा कमेंट डाउन करो, रिवाइज करो। 1809-10 में ईरानियन ट्रैवलर बहाबानी विजिट करेंगे बिहार। 1821 में वहाबी मूवमेंट स्टार्ट होगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 1831-32 में कोल रिवोल्ट, 32-33 में भूमिज रिवोल्ट और 55-56 में संथल रिवोल्ट। ये सबसे कुछ इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी देखी है हमने, थोड़ा सा दिमाग में रखना, बहुत हेल्प होगी।